आशीर्वाद देने आया हूँ। इस पे भगवान महाकालेश्वर प्रसन्न होंगे। अशीर्दी समस्या कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यज रहित वाम शारदा सर्वगालम तदप गुणा नाम ईश वारम नया। गुरु हनुमान जी का परम वैभव और हनुमान जी का वरदान प्राप्त और ऐसे संस्कारिक ब्रह्मचर्य पालन करने वाले हमारे वैभव जी इस बॉलीवुड की दुनिया में एक कमल के माफिक है। अरे गुरु जी, और भगवान महाकालेश्वर ने इनको वो ज्ञान प्राप्त किया है जो मैंने आज तक नहीं सुना। अरे गुरु जी आपका आशीर्वाद, ईश्वर करे। हमारे बीच में 15 एक्शन फिल्म्स के लिए एक्शन डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीते हुए वीडियो बच्चन, अमिताभ बच्चन जी से लेकर के गोविंदा जी से लेकर के सलमान खान, शाहरुख खान को, ऋतिक रोशन को एक्शन सिखलाए हुए, सनी देओल का एक्शन सिखलाए हुए, गदर 2 के एक्शन डायरेक्टर परम भक्त है। 25 साल से ज्यादा हो गया गुरुदेव, इनके आशीर्वाद से आज तक हम यहाँ इंडस्ट्री में है। किस आशीर्वाद है भाई साहब का आशीर्वाद है। जब जब इन्होंने बुलाया शूटिंग छोड़ के हम आए। अरे ये प्यार है, वो आशीर्वाद है। महाकाल के परम भक्त है, वो ये हनुमान के परम भक्त है, दोनों शक्तियाँ आज मिल रही है। क्या होगा, बोला बोला शंकर भगवान की। ये कार्य इनके हाथ से जो होने जा रहा है और आदरणीय भाई साहब टीनू वर्मा जी के हाथ से जो होने जा रहा है ये विश्व प्रसिद्ध हो, यही मेरी मनोकामना है। पश्चिम श्रद्धा आपका आशीर्वाद रहा तो गुरुदेव, चार पंक्तियां हनुमान जी के लिए साधो समर्पित करना चाहूंगा जो मेरी स्वरचित पंक्तियां हैं कि जमीन और आसमान है अव्वल और आखिरी जहान है। जमीन और आसमान है अव्वल और आखिरी जहान है, हर संकट को ये जीत ले ऐसा ये वीर महान है। इनकी भुजाओं में पराक्रम वीरता और शौर्य की पहचान है। इनके दिल में बसते हैं साक्षात माता सीता और प्रभु श्री राम है। जो एक हाथ से पर्वत उठा दे वही संकट मोचन। जल पावा गगन समीरा, क्षिति जल पावा गगन समीरा, पंच महाभूत से हुआ इस सृष्टि का निर्माण है। पृथ्वी के इस सदा अजर अमर अविनाशी देवता को उनका है ब्रह्मचारी भक्त वैभव, करता है शत शत प्रणाम है। अपनी आंखों से निहारू प्रभु तेरी दिव्य शक्ति को मैं, अपनी आंखों से निहारू प्रभु तेरी दिव्य शक्ति को मैं, धरा से लेकर अंबर तक देवता भी करते हैं तेरी असीमित शक्ति और ताकत का यशोगान है। और सूरज को भी जो अपने मुंह से निकल जाए वो सृष्टि का सबसे ताकतवर बालक भगवान है। जो एक हाथ से पर्वत उठा दे वही संकट मोचन पवन पुत्र करा है। इसलिए वैभव जी का जो जागरा बखान है, ग्रेट वैभव जी हमारे देवेंद्र भैया ग्रेट, इतना प्यार इतना सद्भाव सबको देखते हैं, गौरव और सम्मान। हर हिंदुस्तानी का सपना होता है कि उसे अवार्ड मिले, हर हिंदुस्तानी ये चाहता है कि उसके घर में ऐसा एक अवार्ड हो। तो ये जो मंच उन्होंने खड़ा किया है सबको अवार्ड और सम्मानित करने का, ये बहुत ही अच्छा है। और ये मुझे रेमो डिसूजा सर के हाथ से मिला है, तो इट इज़ बहुत, वो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा जैसा है। थैंक यू। हाँ जी, बोलिए बोलिए।
मेरा नाम शिल्पा रायजादा है और ये जो अवार्ड मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि मैं टीवी एक्ट्रेस हूँ और साथ में मैं रामायण कर रही हूँ। ये लाइव शो है, उसमें मैं सीता माता जी का रोल कर रही हूँ और मुझे ऐसे मतलब ये अवार्ड इसलिए मिला है, मतलब इसलिए नहीं कि कोई एक खास कोई एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ इसलिए मिला है। दिस इज़ लाइक कि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, मुंबई में 10 साल से हूँ और टेलीविजन में और काफ़ी सारी चीज़ों में एक्टिव रही हूँ और कर रही हूँ काम। और इसी तरह से अवार्ड मिलते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि एक प्रोत्साहन मिलता है ना कि हम कुछ कर रहे हैं तो हमें कुछ उसके बदले में इस तरह से नवाजा जा रहा है। तो आई एम सो लकी, आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे हिंदुस्तान रत्न अवार्ड मिल रहा है। और माफ़ी चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई और ये एसोसिएशन ऐसे ही काम करते रहे बिकॉज आप लोगों के ज़रिए आप सबका साथ रहता है तो हम हैं। जस्ट लाइक मैंने एक शब्द सुना है सो हम, आप हैं तो हम हैं तो आप हैं, तो वो मिलकर जो काम होता है उसी से सब कुछ होता है बिकॉज ये एक टीम का काम है, राइट। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, अगर हम आ गए और आप नहीं रहे तो कुछ नहीं होगा, आप आ गए हम नहीं रहे, तो ये एक हैंड टू हैंड वर्क है। तो हम सब लोग मिलकर जो काम कर रहे हैं और मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों की वजह से हम हैं। रियली थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। आई एम सॉरी मैं बहुत लेट आई हूँ कार्यक्रम में और ऐसे ही मिलते रहेंगे आप लोगों से, उम्मीद करते हैं फिर से कहीं नई जगह। थैंक यू, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हिंदुस्तानी अवार्ड और राजू को राजकुमार बनाने में हमेशा मैं सहयोग रहते हैं, उसके गवाह आप लोग हैं और ऐसे ही मैं हर कार्यक्रम को स्वीकार करता हूँ और उसके विटनेस आप ही लोग हैं। और इस कार्यक्रम में जितने भी अवार्डी आए, जो भी रैम्बो सर आए, रोनित राव जी आए, सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि इसी राजू के साथ राजकुमार राज बनाते रहे। ऐसा है कि ऐतिहासिक फंक्शन हुआ है और ये आज जो हिंदुस्तान का जो रत्न है, अवार्ड है, मुझे दिया गया है डॉक्टर वैभव शर्मा, डॉक्टर उदित नारायण जी, तीनू वर्मा, ये सब हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने शिष्य हैं। भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद इन्होंने सबने लिया है और मीडिया वाले सभी हमारे भाई बंधु आज यहाँ जो उपस्थित है, इतना बढ़िया शो, इतना बढ़िया अरेंजमेंट और इतना बढ़िया व्यवस्था आपने की है, आप सब लोगों को हमारे लिए उससे बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सरस्वती सदा प्रसन्न रहे, महाकालेश्वर भगवान हमेशा आपके साथ रहे। अशिदी समस्त का जलम सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र लिखद यदि ग्रहित्वाम शारदा सर्वकालम तदपित गुणाना ईश्वर में आती। भगवान शंकर का, भगवान हनुमान का जो जो कार्य है वो सब यहाँ डॉक्टर वैभव कर रहे हैं, भगवान की मनोकामना सब परिपूर्ण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमने एक नया OTT चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है चना जोर, तो हम लोगों को हंसाने का प्रयास कर रहे हैं उस OTT के माध्यम से एंड सिर्फ कॉमेडी वीडियो रहेंगे और हंसिए हंसाइए और चना जोर को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर दिस अवार्ड एंड आई एम श्योर कि हम इस वो भी आके अच्छा काम करते रहेंगे। सर बताइए सर, अपने बारे में और अवार्ड क्या बताइए। अवार्ड तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, हिंदुस्तान रत्न, मतलब बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, हिंदुस्तान के रत्न हो गए तो हमारी भी जिम्मेदारी बन गई, हमें कॉमेडी के लिए मिला है तो कोशिश यही रहेगी कि आगे भी लोगों को हंसाते रहें और बाकी अपने पास कुछ है नहीं सिवाय हंसाने के, यही आता है, यही कर कठिन काम है, थोड़ा टाइम लगता है मौसम बनाने में। मैं हूँ इंद्राणी तालुकदार, बॉलीवुड एक्ट्रेस। मैंने अपनी डेब्यू किया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ लंबी फिल्म, उसके बाद मैंने काफ़ी हिंदी फिल्में एंड रीजनल फिल्मों में काम किया है जैसे लतीफ़ के बाद अपची शक्ति, हॉरर लव स्टोरी, NAC डिटेक्टिव, फ्रेंड्स फॉरएवर, इसके अलावा बहुत सारी रीजनल मूवी जैसे कि साउथ इंडियन फिल्म, तमिल, तेलुगु, बंगाली फिल्मों में मैंने काम किया। Thank you.
कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना सबसे पहले मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि मेरे तीनों बच्चों को अपने हुनर पे अवार्ड मिला है। मुझे जो मिला है वो जो मैंने पिछला काम किया है उस चीज़ का मिला है, लेकिन आज मेरे ये तीनों बच्चे अवेश, मेरा बड़ा बेटा अवेश दरबार, जयद दरबार बता दीजिए सर, और अनम दरबार जो है वो एक्चुअली बिजी की शूट पे थी तो आ नहीं पाई। बहुत मेरे लिए आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है और मैं उसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने ये अवार्ड दिया, और ये अवार्ड इनको अपने मेरिट पे मिला है, मुझे उस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। तो बस मैं यही चाहूँगा कि बच्चों को कि काम हमेशा अच्छा ही करो जिसके लिए लोग आपको स्पेशली अवार्ड देने के लिए बुलाए। देखिए मैंने 25 साल पहले काम किया था लेकिन आज तक मुझे लोग अवार्ड देने क्यों बुला रहे हैं। ये बच्चे आज के हैं और आज जितना अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, खैर वो तो मेरे दिमाग के बाहर वाली चीज़ें, पर मेरी दुआएं इन बच्चों के साथ कि मालिक इनको इससे भी बहुत आगे ले जाए, ये अवार्ड से भी बहुत बड़े बड़े अवार्ड दिलाए और इनको सारे अवार्ड मिलेंगे इंशाल्लाह। ये लोग उस तैयारी में है क्योंकि बहुत मेहनती बच्चे हैं और आप लोग दुआ करना प्लीज। क्या कहना चाहिए आप लोग, क्या कहते हैं कल ईद है तो क्या प्लान? एक मिनट आप क्या कहना चाहिए आवाज़ को लेकर? इतना सब डैडी ने बोल दिया है उसके बाद बोलना आई डोंट थिंक सो इनअप्रोप्रिएट रहेगा। मेहनत करते जा रहे हैं हम और हर अवार्ड एक जैसा ही होता है, हर अवार्ड उतना ही मायने रखता है जितना ये अवार्ड है, तो वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू फॉर दिस। एंड जिस तरीके से हमें बचपन से डैड ने गाइड किया है उस वजह से आई वुड से हम जिधर भी अभी आ रहे हैं और उनकी दुआएं हैं, मम्मी रेडी दुआएं और आप सबकी भी दुआएं हैं। थैंक यू सो मच। कंप्लीट करते साथ स्टेज पे तीनों, वही तभी हम लोग आज बहुत टाइम तक रुके थे। इसके वर्ड्स नहीं है एक्चुअली, ये सिर्फ फीलिंग है। हाँ इसको बयान नहीं कर सकते, इसको बयान नहीं कर सकते। हमारे लिए बेसिकली आज बहुत बड़ा दिन है। हाँ मतलब ऐसा दिन ऊपर वाला जो बहुत बहुत बड़े बड़े नाम हो जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इस तरह का दिन ऊपर वाला बहुत कम लोगों को देता है। तो मैं इसलिए मैं मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे तो मिला है बट मेरे साथ भी मेरे तीनों बच्चों को भी अवार्ड मिला और वो भी उनको अपने काम के लिए मिला है, इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी है। ईद के लिए अब कम प्रोजेक्ट ईद में नया कुछ नहीं, ईद में तो जैसा चलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कुर्बानी, अल्लाह के नाम की कुर्बानी करो, उसको राज़ी करो, उसको खुश करो और बस वो राज़ी हो जाए, वो खुश हो जाए। हम लोग अपना कल बहुत धूमधाम से कुर्बानी तो कर रहे हैं, बस वो ऊपर वाला कबूल करे। बेसिक ये शोशा शोमेंसी वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत ही जिसको कहते हैं ना बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ है। लोगों को ऐसा लगता होगा कि अरे कुर्बानी में ये लोग ये खा रहे वो खा रहे, वैसे बहुत इमोशनल चीज़ है। फैमिली गेट टुगेदर होता है, हर फंक्शन फैमिली गेट टुगेदर और बहुत इमोशनल चीज़ है। फैमिली में से याद है, फैमिली में एक नया मेंबर भी आ चुके हैं और नई वो तो हमारा पोता ये हमारे जैद का बच्चा है, वो खुश हो खुशी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इस बार कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है, घर में खुशी आई है, ये तो बोलेगा लेकिन मैं इतना जानता हूँ मेरे लिए डैडी बोलेंगे बेटर है। एक महीने में उसके बच्चे ने उसको दो अवार्ड दिलवा दिए, एक महीने का वो बच्चा हुआ लेकिन इसको दो अवार्ड मिल चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और दोनों सामने वालों एक बल्कि एक अवार्ड में तो मुझे भी नहीं मिला, इसके लिए स्पेशल सामने वाले ने मुझे बुलाया इसको अवार्ड देने के लिए, मुझे वो बहुत खुशी हुई। तिवारी जी का बहुत बहुत शुक्रिया ये अवार्ड देने के लिए मुझे, और मैं कहना चाहूँगी मेरी बेस्ट विशेज हैं उनके साथ में, वो और भी अवार्ड करते रहें और लोगों को इसी तरह अवार्ड देते रहें, ये हम सब के लिए अच्छी बात है। बहुत अच्छा अवार्ड जी, थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने भी हमें कोऑपरेट किया है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम गेस्ट का आप कैसे शुक्रिया करेंगे, बहुत सारे लोग आए। देखिए मैं भी एक न्यूज़पेपर का मालिक हूँ, एडिटर हूँ,
राजकुमार तिवारी नाम है और हम भी तो सोशल वर्क करते ही रहते हैं जैसे आप लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं वैसे हम भी मेहनत करते हैं, लेकिन लोगों का ऐसा प्यार होता है कि वो सपोर्ट करता है हमें, तो उनका एक प्यार था। और रेमो भाई हमारे आज के नहीं बहुत पुराने मित्र हैं, 30 साल पुराने, उनको पहला ब्रेक मैंने दिया था, यंग पावर एक सीरियल थी जिसको हम लोगों ने शूट किया था 16 पे, ये करीब 95 की बात बता रहा हूँ, तो उस समय मैंने उनको पहला ब्रेक दिया था। 6 लड़कों की कहानी थी कॉलेज के, जिसमें एक रेमो भी था, बस उस समय से दोस्ती है। आपने आज अपने पिक्चर का भी अनाउंसमेंट किया है, राजू बन गया राजकुमार। हाँ, वो हमारे जीवन पे आधारित है स्टोरी, रियल स्टोरी है। जैसे लोग बचपन में लड़कपन करते हैं तो उसी तरह मैंने भी किया था, और उसी को एक फिल्म का रूप देंगे, उसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल भी होगा, पूरा रियल नहीं होगा कि लोग देखने नहीं जाएंगे, इसलिए कुछ आर्टिफिशियल होगा, बाकी रियल है, कुछ जो भी होगा रियल होगा और बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आप एक्टिंग कर रहे हो उसमें? नहीं, हम एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हमारे एक्टिंग कर रहे हैं तो कोई ना कोई कलाकार को, अच्छे कलाकार को रखेंगे। ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी रखा हुआ है आपने? जी, बिस्टू ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, ये हमारा 15वां इवेंट है, मिस एंड मिसेस हिंदुस्तानी है ये इवेंट, और काफ़ी ऑल इंडिया से मिस एंड मिसेस को बुलाते हैं, उनको प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, तो हमारा भी नाम होता है, उनका भी नाम होता है, बस। राजू जी, दुबई से भी गेस्ट आया था, मतलब हाँ होता है, लेकिन इस तरह के गेस्ट बहुत कम आता है, ऑल इंटरनेशनल, बांग्लादेश से भी आए हैं हमारे, जो गेस्ट ऑफ ऑनर उनको दिया, क्योंकि अवार्ड उनको नहीं दे सकता मैंने, बांग्लादेश से है, अवार्ड नहीं दे सकता क्योंकि हिंदुस्तान रत्न नाम है हमारा, तो हम उनको गेस्ट बना सकते हैं, तो उन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर हम उनको दिए, दुबई वाले को भी मैंने गेस्ट ऑफ ऑनर किया है उनको, और हम लोग है पहचान थी, दुबई में भी गए थे तो हमारे इवेंट में आए थे, तो पहचान थी, दुबई में भी मैं इवेंट कर चुका हूँ 2021 में 9 अप्रैल को। जी, इसके बाद क्या प्लान है नेक्स्ट का? अभी मेरा नेक्स्ट प्लान है सिंगापुर का। क्या बात है? जी, सिंगापुर का प्लान है, और उसके बाद फिर नवंबर में मुंबई में ही होगा। इतनी सक्सेस, ये तीनू सर भी आ गए हैं अभी, ये देखिए तीनू सर हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और काफ़ी हमारे साथ प्यार रहा है, हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया मुझे, हमारी मैंने एक फिल्म किया था जानवर फिल्म में, उनका एक्शन डायरेक्टर थे, हाँ जानवर से जुड़े हुए, हाँ, जानवर से जुड़े, अक्षय कुमार को उसी पिक्चर ने अपग्रेड किया था जानवर। जी जी, सर आपका लड़का भी डायरेक्टर बन गया, बहुत अच्छी टीम के साथ, कैसे लग रहा है आपको? बताइए, अच्छा है, देखो बच्चे अगर आगे चले जाए तो उससे बड़े बाप को क्या खुशी मिलती है, डायरेक्टर बन गया, इज डूइंग वेल, दो तीन प्रोजेक्ट ऑन द पाइप चल रहा है उसका, सारी चीज़ें चल रही है। देखो इंडस्ट्री में कब किस वक्त कोई नीचे जाए ऊपर जाए कोई बोल नहीं सकते, बस काम करते रहो, काम की पूजा करो, टाइम की कदर करो, पैसे की रिस्पेक्ट करो, ऊपर वाला तुम्हारे रिस्पेक्ट करेगा। शो जबरदस्त, मेरे जब भी राजू भाई का इन्विटेशन आता है, डॉक्टर साहब का आता है, गौरव साहब का, तो मैं हमेशा, अगर मैं बॉम्बे में हूँ तो हमेशा सपोर्ट रहता है, हमेशा ऑलवेज आई एम देयर फॉर देम, और इतना अच्छा इनका फंक्शन हुआ, अवार्ड हुआ, इतने लोग आए, इस्माइल भाई आए, और उदित नारायण जी और पूरी गैंग, इतने बड़े बड़े लोग आए जो अपना रिमोनिशन लाइन के मित्र है, अच्छा रहा शो, बहुत अच्छा रहा, आप लोग का, सब लोग का प्यार है, आप लोग का आशीर्वाद है, राजू भाई पे मेरा आशीर्वाद है, प्यार है राजू भाई से। जी, हमारी फिल्म का भी एक्शन डायरेक्टर तीनू जी ही रहेंगे। क्या बात, क्या बात, थैंक यू। इंटरवेल से पूरा एक्शन है, इंटरवेल के बाद पूरा टर्न हो जाएगा, और मुझे कहानी एकदम इनके अवार्ड में शामिल होने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस नामी काफी है, मुंबई ग्लोबल बस नामी काफी है। क्या कहिए सर, सर ने तो सब बता ही दिया आपको सब कुछ। सर नाम बताइए आपका? जैकी, जैकी रागानी नाम है मेरा। थैंक यू सो मच हिंदुस्तान रत्न अवार्ड, जिन्होंने आज मुझे बुला के ये अवार्ड दिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा था, बहुत सेलिब्रिटीज आए थे, बहुत मजा आया। हाँ, हमारा एकेडमी है जैक्सन डांस जोन फ्रॉम कल्याण उल्लासनगर। यस, बहुत बहुत बाजू में बाजू में, लेकिन बहुत अच्छा, ग्रेट वर्क करते हैं, पिछले 10 साल से इनको जान पाते हैं। हाँ, हम लोग बच्चों को ज्यादा फोकस बच्चों पे रहता है, और बच्चों को प्लेटफॉर्म्स भी देते हैं हम लोग। जी बच्चे, आप बच्चे नहीं सर, आप बहुत बड़े। सर सिखाते हैं बच्चों को, हमारा मेन मोटिव है बच्चों को प्लेटफॉर्म देते हैं हम लोग, जैसे हमें सर ने प्लेटफॉर्म दिया है, हम बच्चों को देते हैं प्लेटफॉर्म।
ये पहला अवार्ड से कभी भी अवार्ड मिल चुके आपको? बहुत सारे सारे अवार्ड मिल चुके हैं सर, जैसे कि बेस्ट कोरियोग्राफर। यस सर, बेस्ट कोरियोग्राफर्स मिले हैं। हम लोगों ने नेशनल रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है जिसमें 1000+ स्टूडेंट्स थे एट टाइम। 73 सॉन्ग्स भी हम लोगों ने परफॉर्म किया था नॉन स्टॉप, और विद 450+ स्टूडेंट्स, 500+ स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।